ओके हेलो क्लास नाइन्थ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीजंस फॉर द थ्रस्ट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड कि दैट द थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. नाउ इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्रस्ट, द डेफिनेशन पार्ट वी हैव कवर्ड अप इन द प्रीवियस वीडियो. अब थ्रस्ट क्या है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड. अब थ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड. And we also find under what condition the body will float, कैसे कौन सी वो conditions हैं जिस condition में body क्या करती है, liquid के ऊपर float करती है या liquid में sink करती है या it is free to move anywhere inside the liquid. So all these things we have discussed in the last video. Now today we are going to find the reasons for the up thrust. Now for this what we have to do, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, we have to take a liquid container. मैंने क्या किया, एक लिक्विड का कंटेनर ले लिया. ओके, इन दिस लिक्विड कंटेनर मान लेते हैं कि जो लिक्विड है इट इज फिल्ड अप टू हियर, इसमें एक बॉडी को डाल देते हैं जिसके ऊपर अप थ्रस्ट एक्ट कर रहा है. ओके, दो सरफेस हैं, ये बॉटम वाला सरफेस है इसका एंड दिस इज द अपवर्ड सरफेस. सो ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सरफेस का से इट इज सेम, ये भी सेम है, ये भी ए है एंड दिस इज ऑल्सो ए. से जो अपर वाला पार्ट है वो वाटर सरफेस से h1 हाइट पे है एंड जो बॉटम वाला पार्ट है वो कितना है, वो इट विल बी एट h2 डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. सो वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकल सकती है, कैसे निकल सकती है कि हाइट ऑफ बॉडी से, हाइट ऑफ बॉडी कितना हो गया बेटा, हाइट ऑफ बॉडी हो गया h2 माइनस h1. इसको भी निकाल के रख रहे हैं हम लोग, इसको बाद में यूज करेंगे. सबसे पहले रीजन देख लेते हैं अब थ्रस्ट का कि रीजन क्या है कि दो सरफेस हैं और वी नो, हमें पता है कि जो बॉटम वाला पार्ट है वो ज्यादा डेप्थ पे है, जो अपर वाला पार्ट है वो लेस डेप्थ पे है. ये लेस डेप्थ पे है, ये क्या है, ज्यादा डेप्थ पे है. एंड वी हैव वी ऑल्सो नो कि जैसे जैसे करके हमारी हाइट लिक्विड के अंदर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे करके प्रेशर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो ये वाला पार्ट है यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डेप्थ पे है, यहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा क्योंकि कम डेप्थ पे है. दोनों सरफेस पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है. सपोज मान लेते हैं कि यहां पे जो प्रेशर है वो P2 है, यहां पे जो प्रेशर है वो से इट इज P1 है. सो वी कैन फाइंड इट आउट प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, प्रेशर डिफरेंस विल बी P2 माइनस P1 हो गया. ये P2 माइनस P1 जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यही रीजन है अप थ्रस्ट का. दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी. ओनली रीजन इज दैट कि जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है वही बॉडी के ऊपर अप थ्रस्ट को लगाएगा एंड इट इज ओनली द रीजन फॉर क्रिएटिंग द अप थ्रस्ट. Now let us come to the second point. Up thrust is equal to the weight of a liquid displaced. क्या बोल रहा है वो कि जितना liquid जो up thrust है वो किसके equal है, it is equal to the weight of liquid displaced. Means के जितना ये liquid displaced करेगी उसका जितना weight होगा वही क्या होगा, आपका thrust होगा. Up thrust means a force, weight means a force. So let us find out, यहां पे उसको find out करते हैं से या प्रूव करना है. दिस इज नॉट टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव दिस. यहां पे मान लेते हैं कि फोर्स कितनी लग रही है, से इट इज F2. यहां पे मान लेते हैं फोर्स कितनी लग रही है, से इट इज F1. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन दिस. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन दिस. दोनों पे थ्रस्ट मैं निकाल सकता हूं. मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला है प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट क्या है, यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट अप थ्रस्ट. सो से इट इज T1, इसको ले लेते हैं. T1 मैं क्यों ले रहा हूं, अपर सरफेस की बात कर रहे हैं. से इट इज T1, सो T1 इक्वल टू क्या हो गया, P into A. ओके, P into A मीन्स P1 और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, HDG. प्रेशर इक्वल टू क्या है, HDG. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड तो क्या होगा वहां पर, HDG होगा. और H अपर सरफेस की बात हो रही तो इट विल बी H1. डेंसिटी विल बी सेम, ग्रेविटी विल बी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सेम. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2 ऑल्सो. T2 मीन्स थ्रस्ट ऑन द बॉटम सरफेस, सो इट विल बी हाउ मच,
T2H2 DGA so FB means upthrust. Upthrust क्या है दोनों का difference, so it will be T2 minus T1 तो FB equals to T2 कितना निकाला, ये निकालना है, it is H2 DGA minus H1 DGA so FB equals to DGA is common H2 minus H1 और जो ये H2 minus H1 है ये क्या है, it is the height of the body, body की height है ये, area of cross section कितना A है, so that means जो ये वाला part है ये जो है it will be the volume of the liquid, क्या हो गया liquid का volume हो गया, so we can say कि FB equals to DG V, so यही तुम्हें प्रूव करना है, V क्या है, V वॉल्यूम, वॉल्यूम कहां से आया, ये हाइट हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, दिस विल बी योर अपथ्रस्ट विच इज इक्वल्स टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न के अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज व्हाट, ये तो वेट ही तो आ रहा है. Okay, this is the weight of the liquid displaced. ये thrust है, thrust equals to ये क्या है, D क्या है density है, G क्या है gravity है, V क्या है volume है. Okay, and weight equals to क्या होता है, what is weight, weight को अगर find out कर रहे हैं तो weight equals to क्या होता है, W equals to mg है, so W means के m क्या हो गया, m is what, m is density into volume g, so rho gv, so rho gv, rho का मतलब density, we are talking about the density, ये g आ गया, ये v आ गया, so same आ रहा है, so that means from here we can write के जो fb है it is equals to the liquid displaced. Okay, so yeah, this is what we have to find out. So for today, only this much. If you have any problem, so you can ask me. Okay, agar nahi samajh mein aaya, so you can ask me again. I will explain it again in the next video. Okay, bilkul bhi koi bhi jara si bhi problem hai, so you can ask me without any hesitation. So for today, thank you very much.